निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह। शेष उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ, नहीं सिंबल, मैं तो कह रहा हूँ सिंबल तो मैंने दिया है, प्रत्याशी किसके हैं? अभी आपने देखा, ईमानदार अगर कोई धरती पर सपा का नेता अगर बोलता है, ओम प्रकाश राजभर से सीखे, उन्होंने दिया था, जीते हुए हैं आपके जगदीश नारायण राय ने, और जगदीश नारायण को अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा विधायक है, और सपा को दिया राज्यसभा में, मेरी पार्टी का विधायक आपके आजमगढ़ मेहनगर से। तो नहीं सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो उत्तर सुन लो। आप पूछो अखिलेश यादव के नेताओं से, एक बार भी मैंने अपने जो हमारा कैंडिडेट मेहनगर से जीता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो। उसको छूट दिया कि तुम उस पार्टी से हो, उस सिंबल से हो, आप जाकर उधर वोट दो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो, कोई योजना किए हो, कांग्रेस की सरकार में बता दो। आप लोग तो सबको पढ़े हो। देखिए कभी की में जो हमारा कार्यक्रम है, आज हमने सेवापुरी, रोहनिया और उत्तरी में आज हमने कार्यक्रम रखा है, जो चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है, 543 लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने लक्ष्य ये बना करके हम बनारस आए हैं कि 543 सीटों में जब 4 जून को रिजल्ट आवे तो देश में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव अगर कोई जीते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारत को विश्व की तीसरी शक्ति, जो भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, उस नफरत की राजनीति को समाप्त करके हम लोग भाईचारा और प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बनाया है, पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बनाया है, पीडीएम न्याय मोर्चा, इंडी गठबंधन से वो अलग हो गई हैं। आप कह रही हैं कि मंत्री जी, देखिए NDA के सामने कोई मोर्चा टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा कि यूपी के 6 लोकसभा के नामांकन खत्म हो गए, अब प्रचार अभियान में लोग चल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग सिंबल फेंक के भाग रहे हैं, है ना? देखिए जो माहौल बना हुआ है, जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, ऐसा नहीं था खाली मुसलमान प्रभावित होता था, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा, एक अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो। और दूसरी चीज, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है, चाहे राशन बांट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप करें, तो जो भी केंद्र की योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ, उसमें तो ये बाउंडेशन नहीं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो योजनाएं बन रही वो सबके लिए है। तो जो नफरत की बात है, आज मैंने, जैसा आपने सवाल किया कि मंत्री बन करके आप पहली बार बनारस आए, मंत्री बनने के दूसरे दिन ही अधिसूचना जारी हो गई चुनाव आयोग की, चुनाव की, लेकिन बीच में हमने 4-5 दिन अध्ययन किया, सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस ने और सपा बसपा ने अगर धोखा दिया तो मुसलमानों को धोखा दिया है। वोट तो लिया 20%, लेकिन
दिया क्या नफरत के सिवा। हम देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में किसी ब्लॉक पर एक चपरासी भी मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है, एक बाबू नहीं है। जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है, वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए। किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा, वो जाकर के फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूं तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में, मेरे पास विभाग है, मैंने कहा भाई आप जाओ कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले, जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले, जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है, पंचायती राज प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है, ये नेता कुछ करेगा। तो कह रही है कि मुसलमान का हित कोई नहीं कर रहा है, आप नया मोर्चा बनाए हैं, नया विधेयक। अच्छा ये बताइए, मंत्री हम हैं ना, हमारी बात, हम सरकार में हैं, हम कानून बनाएंगे कि जो सरकार में नहीं है वो कानून बनाएगा। देखिए अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह। शेष उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ, नहीं सिंबल, मैं तो कह रहा हूँ सिंबल तो मैंने दिया है, प्रत्याशी किसके हैं? अभी आपने देखा ईमानदार अगर कोई धरती पर सपा का नेता अगर बोलता है, ओम प्रकाश राजभर से सीखे, उन्होंने दिया था, जीते हुए हैं आपके जगदीश नारायण राय ने, और जगदीश नारायण को अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा विधायक है, और सपा को दिया राज्यसभा में, मेरी पार्टी का विधायक आपके आजमगढ़ मेहनगर से। तो नहीं सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो उत्तर सुन लो। आप पूछो अखिलेश यादव के नेताओं से, एक बार भी मैंने अपने जो हमारा कैंडिडेट मेहनगर से जीता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो, उसको छूट दिया कि तुम उस पार्टी से हो, उस सिंबल से हो, आप जाकर उधर वोट दो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो, कोई योजना किए हो, कांग्रेस की सरकार में बता दो, आप लोग तो सबको पढ़े हो। देखिए कभी कभी देखिए इसके बारे में तो ये मीडिया के लोगों ने ही पूरे देश के सामने जो सच्चाई था उसको सामने रखा है। जिस तरीके से हमारी सरकार ने न्यायिक और प्रशासनिक जांच बैठाया है, वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, इसलिए इस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई रिजल्ट ना आ जाए। एक तरफ तो सरकार हो चाहे बीजेपी के लोग हो, वो सभी लोग मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को मसीहा कहा है। देखिए ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और वो हमारे घटक दल के नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी में केवल देश का एक ही मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज देश दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहा है। मंत्री जी नहीं, वही मैं कहा कि वो जो है ओम प्रकाश राजभर जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे एनडीए के घटक दल के नेता हैं, सबको अपनी बात कहने का अपने तरीके से अपना अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
इस देश में एक ही मसीहा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिसको पूरा देश मानता है और आज दुनिया भी उनके साथ कदम ताल करने को तैयार है। ओमप्रकाश मंत्री जी आए क्या, किसी गाड़ी आती है तो आप देखते थे कि उसमें नाल कितनी है, इशारा किधर है आपका? नहीं नहीं, मैं नाट मैं किसी व्यक्ति के तरफ नहीं, मैं लाइन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मैं तो छात्र राजनीति में था और आप लोग भी छात्र राजनीति में, जब आजमगढ़ मऊ एक जिला था, जब आजमगढ़ मऊ जनपद एक था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, 89 से पहले की बात है। तो जब हम वर्तमान समय में कहीं नाल नहीं दिखती है आपको? आज बता दीजिए, कहीं दिखा दीजिए, एक भी कहीं बता दीजिए किसी कोई नेता चलता हो लेकर के। किसी पार्टी का कोई नेता नहीं चलता है। अरे किसी पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ, नॉट ए सिंगल पार्टी, हमारी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं चलता। ये योगी जी का है लाइन ऑर्डर। मुख्तार अंसारी तो जा चुके हैं, मारे गए, अब किसका नंबर है? नहीं नहीं, ये तो नंबर की बात मैं आपके हवाले से सुन रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। इस प्रदेश में, देश में कानून का राज है, कानून। और जानते हैं कि हमारी जेल में जब से हमारी सरकार आई है, पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में चाहे जो भी हो, अपराधी हो चाहे जो भी है, चूँकि हम उसके कस्टोडियन हैं, हम पूरी तरीके से उनको नैतिक विकास के लिए हम काम करते हैं। और आप भी देख लीजिए जितना अपग्रेडेशन जेल में हुआ है, उनके खान पान में हर तरीके का, इसके पहले नहीं था। मंत्री नहीं, कौन क्या कह रहा है, जब तक उस बयान को मैं पढ़ ना लूँ, देख भी ना लूँ, ये तो आपके हवाले से इस बात को मैं सुन रहा हूँ। अगर इसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आएगी, मैं देखूँगा तो जरूर उस पर टिप्पणी करूँगा। ये तो आप ही लोग बता रहे हैं कि हमारे जो इस कौन पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है जी, गठबंधन आपके हुई है, हम सांगिक संगठन के रूप में है, ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय समाज पार्टी जी, उनका बेटा आज भी भारतीय समाज पार्टी में ही है, उसका निष्कासन नहीं हुआ। और भाजपा दो तरीके से बात कर रही है, माफिया का सफाया भी हुआ और एक तरफ आपके गठबंधन में जो प्रकाश राजभर जी हैं उनकी पार्टी से वो आए थे, उसका निष्कासन भी नहीं हुआ, ऐसे में किस रूप में आज इसको लेते हैं? देखिए, उसके बारे में मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी इस पर सफाई भी दे चुके हैं, वो किस पार्टी में है, तो उस पर ज़्यादा हम कहना नहीं चाहते, चूँकि उनकी पार्टी का है, इसलिए उन्हीं से सवाल जानना ज़्यादा जरूरी है। जो मसीहा बता रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी तो अब नहीं रहे, लेकिन और भी माफिया हैं जो अभी बचे हुए हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? और निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे माननीय योगी जी की सरकार काम कर रही है, इसमें चाहे जाति का हो, किसी धर्म, किसी मजहब का होगा, किसी पार्टी, किसी दल का होगा, कोई भी माफिया इस तरह के लोग होंगे, उनके साथ कानून अपना काम करेगा। सिर्फ एक सवाल, मुख्तार अंसारी के जनाजे जिस तरीके से भीड़ हुई थी, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? अब देखिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं हम लोग मानव हैं, किसी भी गांव में, किसी इलाके में इस तरीके का जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए सहानुभूति होती है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ, उसका क्या प्रयास होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से घोसी से NDA का जो भी कैंडिडेट हमारा होगा, भारी बहुमत से जीत करके दिल्ली जाएगा और मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री। सपा से सारी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं मुख्तार, घर तमाम लोग गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कौन अखिलेश यादव नहीं गए? अब उनके ऊपर मैं, क्योंकि उनके दल का मामला है, उनका जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, उनका निर्णय होता है, अभी उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं। अभी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, तब ने आम आदमी पार्टी की बात कही थी कि सारे लोग जेल जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कोर्ट, संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से रखा है, कानून का मामला है, इसमें किसी पार्टी का नहीं। और निश्चित रूप से जो भी कन्विक्टेड लोग हैं, अभी तो कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन कानून में चूंकि न्यायपालिका एक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से अगर उससे वो बरी पाए जाएंगे, दोषी दोष सिद्ध नहीं होगा, ऐसे तमाम लोगों को जमानत मिलती है, तो निरंतर एक प्रक्रिया है कानून की। मंत्री जी प्रणाम। मंत्री जी, अरे गुरुदेव भाई, चलिए बहुत बहुत।
ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।